बच्चों गुड मॉर्निंग। कल तक के हमने आयकर वाले अध्याय में आयकर की गणना किस तरीके से की जाती है, उसके पद क्या क्या हैं, किन किन तरीकों से उनकी गणना की जाती है, इसके बारे में चर्चा किए थे और इससे संबंधित प्रश्नों का हल दूसरे कालखंड में देखेंगे करके बोले थे। और उस आधार पर आज हम उसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके प्रश्न में प्रश्नावली 5.4 में पहला प्रश्न है कि किसान की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को मकान किराया भत्ता को छोड़कर ₹1,72,000 है तथा वह जीवन बीमा प्रीमियम में ₹4,000 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बचत पत्र में ₹6,000 प्रतिवर्ष एवं सामान्य भविष्य निधि में अंशदान ₹12,000 प्रतिवर्ष जमा करता है। उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में कितना आयकर देय होगा। अब हमको ये पूछा है कि किसान की वार्षिक आय जिसमें मकान किराया भत्ता शामिल नहीं है ₹1,72,000 है तथा वह जीवन बीमा प्रीमियम में ₹4,000 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बचत पत्र में ₹6,000 प्रतिवर्ष एवं सामान्य भविष्य निधि में अंशदान ₹12,000 प्रतिवर्ष जमा करता है, उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में कितना आयकर देय होगा। हमारा जो आयकर है ये वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है और एक निश्चित जो कल हम आपको पद बताए थे उन्हीं पदों के आधार पर हम आयकर की गणना करते हैं। सबसे पहला इसमें हल में पहला पॉइंट आ जाता है किसान की वार्षिक आय, और किसान की वार्षिक आय यहाँ पर हम लिख लेते हैं ₹1,72,000। दूसरा नंबर में आता है कर में छूट योग्य राशि। हमने आपको बताया है कि वित्तीय वर्ष में जो 16 या 17 पॉइंट बताए थे आपको उसमें वो पैसे जमा कर सकता है और उसका कुल योग ₹1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, या जो वह पैसे जमा करता है दोनों में से जो भी कम हो। तो उस आधार पर कर में छूट योग्य राशि में
सबसे पहले आप देखो वह जीवन बीमा प्रीमियम में 4,000 रुपये प्रतिवर्ष जमा करता है। हम प्रश्न के नीचे में अंडरलाइन कर दिए हैं जीवन बीमा। आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने ये 1,72,000 रुपये आंकड़ा का उपयोग किया, उसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम में वह 4,000 रुपये प्रतिवर्ष जमा करता है। तो ए नंबर में लिखेंगे हम जीवन बीमा प्रीमियम प्रति वर्ष और ये हो गया 4,000 रुपये। दूसरे नंबर में राष्ट्रीय बचत पत्र, इसमें भी वह प्रतिवर्ष 6,000 रुपये जमा करता है। यहां पर आप देख सकते हो ये राष्ट्रीय बचत पत्र 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, तीसरे नंबर का आंकड़ा का उपयोग हो गया। सी नंबर में सामान्य भविष्य निधि, इस सामान्य भविष्य निधि में भी वह प्रतिवर्ष 12,000 रुपये जमा करता है। और इस तरीके से सिर्फ वह तीन ये में, ये सामान्य भविष्य निधि, इसमें 12,000 रुपये वो जमा किया। तो इस तरीके से वो तीन में जमा करता है, एक जीवन बीमा में, दूसरा राष्ट्रीय बचत पत्र में और तीसरा भविष्य निधि में। आगे हम लिखते हैं कि कर में छूट योग्य राशि, और कर में छूट योग्य राशि निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी इन तीनों को टोटल कर दिए, जोड़ दिए, तो 4 और 6 10, 10 और 12 22,000 रुपये। इस तरीके से उसको कितना छूट मिलेगा ये हमको पता चल गया दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में पहला दूसरा, अब तीसरा निकालते हैं हम कर योग्य आय, और कर योग्य आय निकालने के लिए एक नंबर से दो नंबर को घटा देते हैं। एक नंबर में देखिए 1,72,000 रुपये उसकी वार्षिक आय है, और ये जो दो नंबर है इस दो नंबर का जो टोटल है वो 22,000 रुपये है। हम 1-2 लिख दिए, यहाँ पर हम 1,72,000 रुपये, इस 1,72,000 रुपये में से यह 22,000 रुपये को घटा देते हैं और ये मिल जाता है हमको 1,50,000 रुपये। 72,000 में से 22,000 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपये। तीन नंबर कर योग्य आय निकल जाने के पश्चात चौथे नंबर में करते हैं हम आयकर की गणना, और इस आयकर की गणना में हम आपको पहले भी बताए हैं कि हमारे जो प्रश्न दिए हुए रहते हैं, हम इस प्रश्न में स्पेस कम होने के कारण हम सिर्फ प्रश्न को लिखे हैं, जिस वित्तीय वर्ष में हमको आयकर निकालना होता है उसका सरकार के द्वारा निर्धारित दर हमारे प्रश्न में दिया हुआ रहता है, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ रहेगा, और आप परीक्षा दोगे तो उस परीक्षा के प्रश्न में भी किस दर से आयकर लगता है वह भी लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले चूंकि किशन है और पुरुष है, हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिसका भी हम आयकर निकाल रहे हैं वह पुरुष है या महिला है, और पुरुष और महिला का निर्धारण होने के पश्चात ही हम आयकर की गणना निकालते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए आयकर की दर अलग होती है और महिला के लिए आयकर की दर अलग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1,00,000 पुरुष के लिए, 1,10,000 रुपये तक कोई कर नहीं,
1,10,000 रुपये तक कोई कर नहीं लगता है तो हो जाता है 0 रुपये, कोई कर नहीं माने शून्य आएगा। दूसरा भी स्थिति में 1,10,001 रुपये से 1,50,000 रुपये तक आय का 10%। अब दूसरी स्थिति में आय का 10% लगता है और उसकी जो कर योग्य आय है वो एग्जैक्ट 1,50,000 रुपये है, तो और 1,10,000 तक के कोई कर नहीं लगता, तो हम 1,50,000 रुपये से 1,50,000 रुपये से 1,10,000 रुपये को घटा देते हैं और इस तरीके से प्राप्त हो जाता है 40,000 रुपये। जो कर योग्य आय मिलेगा वो 40,000 रुपये आएगा। इस 40,000 रुपये का 40,000 रुपये हमारा आय हुआ और इस आय का हम 10% निकालते हैं, तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणी 10/100 और इस 100 के 2 शून्य हर में और अंश में 2 शून्य, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस 400 का 10 से गुणा होगा और ये आ जाएगा हमारा 4,000 रुपये। इसके बाद कुल कर, कुल आय कर यहां पर लिख देते हैं हम, कुल आय कर। इस कुल आय कर में चूंकि दो ही पद है ए और बी, ए में 0 रुपये है, बी में 4,000 रुपये है, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा 4,000 रुपये। नेक्स्ट 5 नंबर हम निकाल लेते हैं, या इसी में हम 4 का 1 लिख लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद लगता है हमारा शिक्षा उपकर। दो चीज लगता है, एक लगता है अधिभार और दूसरा लगता है शिक्षा उपकर। अधिभार जब उसकी कुल आय 10,00,000 रुपये से अधिक होती है तब हम अधिभार की गणना करते हैं, चूंकि कुल आय 10,00,000 रुपये से कम है इसलिए हमको अधिभार निकालने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा चीज हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा शिक्षा उपकर, और यह जो शिक्षा उपकर है आयकर का 3%। आयकर का 3% हमारा शिक्षा उपकर लगता है। हमारा आयकर आया है 4,000 रुपये और इसका 3%, 3/100, ये दोनों कट गए, 4 × 3 = 12, 120 रुपये, ये हो गया शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर होने के बाद हमको निकालना है कुल देय आयकर। कुल देय आयकर मतलब जितना उसको देना है। लास्ट में लिख लेते हैं हम 5वां नंबर में, इधर लिख दे रहा हूं मैं इसको, यहां पर लिख दे रहा हूं कुल देय आयकर। और ये जो कुल देय आयकर है हमारा 4,000 रुपये आयकर आया था और 120 रुपये शिक्षा उपकर आया था, इस तरीके से दोनों मिलाकर के 4,120 रुपये वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में किशन द्वारा देय आयकर 4,120 रुपये होगा और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप देखोगे कि जो भी हम आयकर निकालते हैं यह आयकर का जो क्रम होता है वो एक निश्चित क्रम है, उन्हीं क्रमों के आधार पर ही हमको बाकी सवालों में आयकर की गणना करनी होती है। एक बार इसके क्रम में आप और ध्यान दोगे कि सबसे पहले हम उसका वार्षिक आय को लिखते हैं, वह वार्षिक आय जितना भी प्रश्न में दिया हुआ हो, एक किशन की वार्षिक आय है 1,72,000 रुपये, तत्पश्चात वह अपने आय को कर में छूट प्राप्त करने के लिए जिसमें जितनी राशि जमा करता है
उन राशियों को अलग अलग करके लिखते हैं। हमारे प्रश्न में सभी राशि दिए हुए रहते हैं। आप अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए कि कोई चीज छूट मत जाए, वो ध्यान में रखते हुए जब एक एक चीज को लिखो, दूसरे नंबर में कर्म में छूट योग्य राशि, सबसे पहला जीवन बीमा प्रीमियम, तो उसके नीचे, प्रश्न के नीचे अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ये पता चल जाए कि कुछ चीज आपसे छूटा तो नहीं है। यदि आप अंडरलाइन नहीं करते हो या कोई चीज छूट जाता है तो आपका यह प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा, आप जो हल किए रहोगे। तो सबसे पहले हमने लिखा जीवन बीमा प्रीमियम में 4,000, फिर राष्ट्रीय बचत पत्र में 6,000, फिर सामान्य भविष्य निधि अंशदान में 12,000। सभी में अलग अलग निशान लगा लिए, बराबर चिन्ह के नीचे बराबर चिन्ह, और इन तीनों को जोड़ लिए, जो जोड़े वह आया हमारा आयकर में छूट योग्य राशि 22,000 रुपये। यह 22,000 रुपये 1,00,000 रुपये से कम है, हमको छूट 1,00,000 रुपये तक के मिलता है और 1,00,000 से 22,000 कम है, तो जितनी राशि हम जमा करते हैं उतनी में ही छूट मिलता है। आपको 1,00,000 में छूट नहीं मिलेगा, जमा तो आप 22,000 कर रहे हो ना, तो 22,000 में ही छूट मिलेगा। तो कुल आय में से 1,72,000 रुपये में से कर योग्य आय आपको निकालना है, तो जो 22,000 रुपये आया उसको घटा देते हैं, 1,50,000 रुपये ये कर योग्य आय निकल गया। और कर योग्य आय निकलने के पश्चात फिर हम निकालते हैं आयकर की गणना। आयकर की गणना में यह जो हम ए नंबर में लिखे हैं 1,10,000 रुपये तक कोई कर नहीं, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, स्वाभाविक है कोई कर नहीं तो उसका शून्य आएगा। दूसरे नंबर में 1,10,001 रुपये से 1,50,000 रुपये तक आय का 10%, ये भी आपके प्रश्न में लिखा रहेगा। तो अब वहां पर 1,50,000, चूंकि हमारे प्रश्न में अंतिम 1,50,000 है तो हम 1,50,000 रुपये से घटा दिए, 1,50,000 से 1,10,000 40,000 आया, 40,000 का 10% निकाले 4,000 आया। अब उसको कितना आयकर देना होगा ये निकल गया। आयकर पे शिक्षा उपकर लगता है 3%, जो आप लोगों के लिए शिक्षा में खर्च किया जाता है। तो 4,000 रुपये का 3% निकाले, 120 रुपये आया। पहला आयकर 4,000 रुपये, शिक्षा उपकर 120 रुपये, इन दोनों को हमको आपस में जोड़ देना है। कुल देय आयकर 4,000 रुपये प्लस 120 रुपये, और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 4,120 रुपये, उसके द्वारा आयकर दे होगा। ये तो हमारा प्रश्न पहला हुआ। चलिए इस प्रश्न को जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर अगला प्रश्न बताते हैं। अब तक के इसको लिख लिए होंगे। एक चीज ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि हमारे जो सब प्रश्न रहते हैं वो लगभग एक ही समान रहते हैं। अब हम इसी प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न को देखते हैं, और आखिरी प्रश्न को देखने के लिए जो कुछ कुछ चीज हम इसमें से मिटा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा कि रामलाल की सत्र 2007-2008, या हम इस यहां पर सत्र नहीं लिख करके वित्तीय वर्ष लिख देते हैं। वित्तीय वर्ष रामलाल की वित्तीय वर्ष 2007-08 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर, यहाँ पर ये आंकड़ा चेंज हो गया है, वह हो गया है 1,85,000 रुपये है, तथा वह जीवन बीमा प्रीमियम में 4,000 रुपये प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय बचत पत्र में 5,000 रुपये, प्रतिवर्ष एवं सामान्य भविष्य निधि में अंशदान 48,000 रुपये प्रतिवर्ष करता है।
तथा उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में कितना आयकर देय होगा, कुछ प्रश्न का और हिस्सा है उसको लिखने के लिए हम इधर लिख देते हैं उस प्रश्न के हिस्से को। उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में कितना आयकर देय होगा, यदि प्रथम 11 माह वह 40 रुपए आयकर जमा करता है एवं एक धर्मार्थ ट्रस्ट को 5,000 रुपए दान करता है जो 50% छूट है। प्रश्न में जो महत्वपूर्ण चीज है, आपका जो हम पहला प्रश्न लिखे थे ब्लैकबोर्ड को पूरा साफ किए बिना उसको हम अंतिम प्रश्न के रूप में परिवर्तित कर दिए। आपके पास बुक है, आप ये देख रहे होंगे कि बुक में तो कुछ दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ दूसरा प्रश्न दिख रहा है, क्रम अलग अलग है। बुक के प्रश्न का क्रम और हमारे द्वारा लिखा गया क्रम दोनों अलग अलग है, लेकिन राशि वही है। ज्यादा मेहनत न करना पड़े बोल करके हमने इस तरीके से किया है। नाम परिवर्तित हो गया, रामलाल की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 1,85,000 रुपए है। आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि वह भविष्य निधि में 48,000 रुपए प्रतिवर्ष अंशदान जमा करता है, वो पहले लिखा हुआ है, हमने उसको बाद में लिखा है। यहां पर उसी प्रश्न को समान परिवर्तित करने के लिए पहले लिख दिया हमने कि जीवन बीमा प्रीमियम में 4,000 रुपए प्रतिवर्ष, राष्ट्रीय बचत पत्र में 5,000 रुपए प्रतिवर्ष, सामान्य भविष्य निधि में अंशदान 48,000 रुपए प्रतिवर्ष जमा करता है तो उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में कितना आयकर देय होगा। यदि इसके अतिरिक्त और वो क्या करता है कि यदि प्रथम 11 माह हुआ 40 रुपए आयकर जमा करता है तथा एक धर्मार्थ ट्रस्ट को 5,000 रुपए दान करता है जो 50% छूट है। आयकर उसको जो वेतन मिलता है उस वेतन से हर महीना वो 40-40 रुपए आयकर के रूप में भी जमा करता जाता है। तो प्रश्न वही है, सिर्फ क्रम उसका बदला हुआ है। जिस तरीके से आपके परीक्षाओं में दिया जाता है प्रश्न वही रहता है, क्रम बदल देते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि ये तो हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी प्रश्न रहते हैं वो सब आपके पढ़े हुए रहते हैं, सिर्फ उसका क्रम को परिवर्तित कर दिया जाता है। अब बनाने का तरीका भी वही है, किशन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब रामलाल, सबसे पहला नंबर में रामलाल। रामलाल की वार्षिक आय 1,85,000 रुपए, तो ये 1,72,000 रुपए मिट गया और इसके जगह आ गया 1,85,000 रुपए। दूसरा अब हमको निकालना है कर में छूट योग्य राशि। तो कर में छूट योग्य राशि में सबसे पहला जीवन बीमा प्रीमियम प्रतिवर्ष 4,000 रुपए, इस प्रश्न में भी 4,000 रुपए है। दूसरे नंबर में आ गया राष्ट्रीय बचत पत्र, पहले प्रश्न में 6,000 था, दूसरे प्रश्न में वह 5,000 रुपए है, तो इस 6,000 के जगह में यह आ गया हमारा 5,000 रुपए। तीसरा नंबर में सामान्य भविष्य निधि में अंशदान 48,000 रुपए प्रतिवर्ष जमा करता है तो यह सामान्य भविष्य निधि में 12,000 के जगह आ गए 48,000 रुपए। अब यहां पर एक चीज और बढ़ गया, डी नंबर ए बी सी डी,
उस डी नंबर को प्रश्न में आखिरी में लिखा गया है वह दिया है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। प्रश्न में भी इसी तरीके से लिखा रहता है कि कहीं तो बच्चा गलती करे और जांचने वाला उसका नंबर को काटे, तो आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है। लास्ट में लिखा गया है कि धर्मार्थ ट्रस्ट में 5,000 रुपए दान करता है जो 50% छूट है, तो यहां पर हम लिख देते हैं धर्मार्थ ट्रस्ट में दान 5,000 रुपए और 50% छूट, तो ये हो जाएगा 5,000 × 50/100, ये कट गया, 50 × 50 आ जाएगा 2,500, तो ये हो जाएगा हमारा 2,500 रुपए जो उसको छूट मिलेगा। लास्ट इसके बाद में धर्मार्थ ट्रस्ट में दान, अब कर में छूट योग्य राशि, कर में छूट योग्य राशि, यहां पर कर में छूट योग्य राशि में चार है ए बी सी डी, इसी ए बी सी डी को हम जोड़ लेते हैं। यहां पर भी हम जोड़ सकते हैं 0 0, ये 5, 4 और 5 9, 9 और 8 17 17 और 2 19, का 9 बचा 1, 4 और 1 5, 59,500 रुपए, यहां पर उसको लिख दिए हम 59,500 रुपए। ये हो गया हमारा कर में छूट योग्य राशि। नेक्स्ट फिर हम निकालेंगे आयकर की गणना, पूरा पद वही है या आपके प्रश्न में दिए हुए रहेंगे। 1,10,000 रुपए तक कोई कर नहीं तो 0 आएगा, 1,10,001 रुपए से 1,50,000 तक आय का 10%। अब यहां पर देखो एक चीज हम अभी नहीं निकाले हैं, वो है कर योग्य आय। तो 3 नंबर में यहां पर हम निकाल लेते हैं कर योग्य आय, और कर योग्य आय 1,85,000 में से 59,500 रुपए को घटा देते हैं। जब हम इसको घटाते हैं तो देखिए कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, यहां 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 4, और यहां है 9, 4 हो गया 14, 14 में से 9 गया 5, यहां 8 के जगह 7 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, और ये 1,25,500 रुपए। आपको घटाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, यदि आप हड़बड़ी करेंगे तो आपसे वह गलत हो सकता है। 1,25,500 रुपए कर योग्य आया। इसके बाद आयकर की गणना करनी है हमको, 1,10,000 रुपए तक कोई कर नहीं 0 आ गया, 1,10,001 रुपए से 1,50,000 रुपए तक 10%, लेकिन हमारा जो आय है वो 1,50,000 रुपए से कम है, हमारा आय कितना बता रहा है 1,25,500, तो हम यहाँ 1,50,000 से न घटा करके इसको घटा देते हैं 1,25,500, 1,25,500 रुपए में से 1,10,000 को घटा दिए तो ये निकल गया हमारा 25 में से 10 गया 15, 15,500 का 10%, काट दो इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, यहां से एक शून्य से यहां से एक शून्य काट दिए, कितना बच गया 1,550 रुपए, यहां पर लिख लिए 1,550 रुपए। अब कुल आयकर निकालना है तो ए और बी 0 और 1,550 को जोड़ दिए तो ये हो गया 1,550 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट
शिक्षा उपकर आयकर का 3%। अब यह जो हमारा आयकर निकला था यह निकला 1550 रुपये। 1550 गुणी 3/100, ये दोनों शून्य से शून्य कट गए, गुणा कर दो 3 × 5 = 15 का 5 बचा 1, 3 × 5 = 15 और 1 = 16 का 6 बचा 1, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, 465/10 या ये हो जाएगा 46 रुपये 50 पैसे। 46 रुपये 50 पैसे जो आया वह आया शिक्षा उपकर। अब शिक्षा उपकर निकालने के पश्चात हमको कुल देय आयकर निकालना है वित्तीय वर्ष में। इस प्रश्न को मिटा देते हैं, अब इस प्रश्न की जरूरत नहीं है। इधर ऊपर वाले का पांचवा नंबर कुल देय आयकर, इस कुल देय आयकर में हम A+B मतलब 1550 रुपये और 46 रुपये 50 पैसे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1597 रुपये 50 पैसे आएगा। चूंकि यह 50 पैसे में है तो आयकर का काम चिल्हर में नहीं होता है, तो 50 पैसे को हम निकट के राउंड रुपए में ले आते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1597 रुपए। आप यहां पे चाहो तो लगभग लिख सकते हो, ये तो कुल देय आयकर निकल गया। यदि वह इस प्रश्न में ये बोला था ना कि 11 माह तक के 40-40 रुपए जमा करता है, यदि वह 11 माह तक के 40-40 रुपए जमा नहीं करता जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्न में था तो उसमें हमको कितना पटाना होता, 1597 रुपए पटाना होता। चूंकि वह प्रतिमाह 11 माह तक के 40-40 रुपए जमा किया है तो पुनः हम लिखते हैं 11 माह तक जमा की गई आयकर की राशि 11 माह तक 40 × 11 = 440 रुपए। 11 माह तक के वो 11 × 40 कर देंगे तो 440 रुपए हो गया। इस दो लाइन को भी अब मिटा देते हैं शुरू के ये दो, या इधर साइड में लिख देते हैं। चलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, इस छोटे से डब्बे के अंदर में लिख रहे हैं लेकिन आपको उसको इसके नीचे ही क्रम से लिखना है। अब 11 माह तक जमा की गई आयकर की राशि है 440 रुपए, तो अंतिम माह में देय आयकर, अब अंतिम महीना में वो कितना आयकर जमा करेगा तो उसका कुल आयकर कितना निकला है 1597 रुपए। ये 1597 रुपए और 440 रुपए वो जमा कर चुका है तो 7 में से 0 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1 और 1, 1157 रुपए अंतिम माह में उसके द्वारा आयकर जमा किया जाएगा। आपके पुस्तक में इसका जो उत्तर दिया गया है वह गलत है, वह 57 रुपए लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने इस प्रश्न को आपको बताया ताकि आप क्लियर हो जाओ। और यह हो गया 1157 रुपए। चलिए इस प्रश्न को एक बार और बताने की आवश्यकता है, चलिए जल्दी जल्दी से इस प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको बाकी प्रश्नों को बनाने में ज़्यादा तकलीफ मत हो। और यदि हम इसके बाद अगला प्रश्न को बताते हैं तो हो सकता है हमारे कालखंड में यह प्रश्न भी पूरा ना हो। तो
इसलिए हम इस प्रश्न को ही पूरा बता देते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि आप इस प्रश्न को और अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको अगले प्रश्न को या बाकी प्रश्नों को बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके पुस्तक में प्रश्न लिखा हुआ है, हो सकता है आप लोगों ने अब तक के हमारे मिटाने से पहले तक उस प्रश्न को लिख भी लिया हो, तो हम यहाँ पर फिर से प्रश्न को तो पढ़ नहीं सकते। तब भी हमको जो याददाश्त है उस याददाश्त के आधार पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति है रामलाल ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में जिस मकान किराया भत्ता छोड़कर जिसकी वार्षिक आय 1,85,000 रुपये है, तो सबसे पहले रामलाल की वार्षिक आय लिखे 1,85,000 रुपये। दूसरी बार उसको कितनी आयकर में छूट मिलता है, तो कर में छूट योग्य राशि की गणना किए, उसमें क्रम से लिखे, ए में लिखे जीवन बीमा प्रीमियम जिसमें वह प्रतिवर्ष 4,000 रुपये जमा करता है, बी में लिखे राष्ट्रीय बचत पत्र जिसमें वह 5,000 रुपये जमा करता है, सी में लिखे सामान्य भविष्य निधि में अंशदान। ये सभी चीज़ें आपके प्रश्न में दिए हुए हैं, वह 48,000 रुपये है, तो ये तीनों हो गए। फिर धर्मार्थ ट्रस्ट में हमने आपको बताया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्मार्थ ट्रस्ट चाहे वह अस्पताल हो चाहे शिक्षा हो ऐसे जगहों में दान करता है तो सरकार उसको कभी 50% कभी 100% छूट देती है, और वह जो भी देती है छूट वह आपके प्रश्न में लिखा हुआ रहता है। तो वह धर्मार्थ ट्रस्ट में 5,000 रुपये दान किया जो 50% छूट है, तो 5,000 का 50% मतलब 5,000 गुणित 50/100, इसको जब हम निकाले तो आया 2,500। कर में छूट योग्य राशि 4,000, 5,000, 48,000 और 2,500, इन सभी को जोड़ दिए तो मिल गया हमको 59,500 रुपये। कर में छूट योग्य राशि हमने ऊपर लिख दिया 59,500 रुपये। तत्पश्चात कर योग्य आय निकालना है। कर योग्य आय मतलब जितनी उसकी वार्षिक आय है उस वार्षिक आय में से जो छूट योग्य राशि है उस छूट योग्य राशि को हम घुमा देते घटा देते हैं। घटाने से 1,85,000 से 59,500 को घटा दिए तो वो बच गया 1,85,500 रुपये, सॉरी 1,25,500 रुपये। फिर आयकर की गणना करते हैं, यह हमारा प्रश्न में दिया हुआ रहता है। 1,10,000 रुपये तक कोई कर नहीं, 1,10,000 एक से 1,50,000 रुपये तक आय का 10%। चूंकि आय जो है वो 1,25,500 रुपये है, 1,50,000 रुपये से कम है, कम होने के कारण जितनी आय है उस आय को हम लिखते हैं 1,25,500 से 1,10,500 को घटा दिए, 1,10,000 को बच गया 15,500 का 10% गुणित 10/100, 2 शून्य से इधर के 2 शून्य काट दिए, निकल गया 1,550 रुपये। कुल जो आयकर है वो निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे 0 और 1,550, आ गया 1,550 रुपये। अब नेक्स्ट निकालना होता है हमको शिक्षा उपकर, जो आयकर का 3% लगता है, तो 1,550 का 3%, 1,550 गुणित 3/100, 0 और 0 कट गया क्योंकि 3 से 10 का तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए गुणा कर दिए 155 गुणित 3 465/10, यह आ गया हमारा 46.50 रुपये शिक्षा उपकर। अब देय आयकर कितना निकल गया हमारा, 1,550 में से 46.50 रुपये को जोड़ दिए तो वो हो गया 1,596.50। निकटतम रुपये में लेने के लिए 50 पैसे को हम 1 रुपये ले लेंगे तो 96 रुपये हो जाएगा 97 रुपये में, 1,597 रुपये। मतलब यदि वो जमा नहीं करता तो 1,597 रुपये आयकर देना होता, चूंकि उसके द्वारा 11 माह तक के 40-40 रुपये जमा किया जा रहा है, तो 11 × 40 = 440 और अंतिम माह में दे आयकर 1,597 में से 440 को घटा दिए तो ये बच गया 1,157 रुपये जो अंतिम माह में दे आयकर होगा। हम एक बार और बताते हैं कि इसका जो आंसर है आपके बुक में गलत दिया हुआ है, वह 57 रुपये ही प्रिंट है तो वो गलत है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी आप पुस्तक के उत्तरों में नहीं जाइएगा, आप अपने
ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए जो सही आता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और सवालों को बनाइए। पूरे सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं और बाकी जितने इसके सवाल हैं इसको घर में बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट कालखंड में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।